Assalamualaikum, welcome to Shine Shop Vlog. तो guys, मैं आ गया और एक नया brand new video के साथ. तो आज का जो video बनने वाला है बहुत ही special होने वाला है, क्योंकि आज बहुत दिन बाद मैं आप लोगों के साथ लेके आया हूँ एक गाड़ी का video. और गाड़ी बहुत ही special गाड़ी है guys. तो guys, आज जिस गाड़ी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ये गाड़ी आप लोग Players movie देखा होगा, इसमें सबसे बेहतरीन एक पार्ट किया था मिनी कूपर का, नाम तो ले लिया आप लोगों को पता चल गया होगा. ये गाड़ी जो है ना, वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, लेकिन वो तो पुराना मॉडल था. आज का जो मिनी कूपर है वो नया वर्जन है. तो शुरू करते हैं आज का वीडियो. आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, अभी तक अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दो, और वीडियो अच्छा लगता तो लाइक भी कर लेना. तो शुरू करते हैं आज का वीडियो. तो गाइस, ये गाड़ी का मैंने बात कर रहा था, ये है 2023 मिनी कूपर एस, जो टू डोर का आता है गाइस. ये इसका जो लुक है, ये ऑलवेज आइकॉनिक लुक है गाइस मिनी कूपर का. और ये है मिनी कूपर एस. तो गाइस, ये गाड़ी आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा, उसमें क्या स्पेशलिटी है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा. तो सबसे पहले बस बात करते हैं इसका इंजन का. ये रहा इसका इंजन. इसका जो इंजन है ये है 2.0 ट्विन पावर टर्बो. ये देखिए, ये ट्विन टर्बो की वजह से इसका जो पावर है ये दो गुना बढ़ जाता है गाइस. मतलब वो इंजन में टर्बो भी लगा हुआ है, वो भी ट्विन टर्बो लगा हुआ है, और इसके वजह से गाड़ी का रेस और ज्यादा आता है गाइस. इसका जो कलर है बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत, खास करके मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कलर का, गाड़ी हो या बाइक हो. तो ये जो मिनी कूपर का, एज ऑलवेज ये स्टिकर लगाने के बाद मिनी कूपर का लुक और भी परफेक्ट आता है. इसका जो चेंजेस है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा क्या क्या चेंजेस है. सबसे पहले बात करते हैं इसका लाइट. ये जो लाइट, ये जो थोड़ा बड़ा कर दिया, और उसके साथ अंदर का एक LED आता है, और ये क्रोम आता है. और इसका जो फ्रंट की बात करता है तो फ्रंट में एक ब्लैक कलर का ग्रिल लगा हुआ है, और इसका जो साथ है एक सेंसर है, क्योंकि ज़्यादातर मिनी कूपर का सेंसर नहीं होता है गाइस. तो इसमें एक सेंसर दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेंसर दिया हुआ है गाइस. सीरियसली गाइस, सीरियसली ये गाड़ी में 6 सेंसर दिया हुआ है. ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 देख रहे हो. तो अगर इसका रिम का बात करते हैं तो गाइस, इसका बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ब्लैक और क्रोम कलर का, जो 17 साइज का है. ऊपर इतना खास किस लिए, क्योंकि ये कंफर्टेबल है गाइस. ये देखिए, ये पूरा छत खुलता है, और इसमें सनरूफ भी है, साथ के साथ भी एक सनरूफ भी है. तो गाइज, इसका अगर पीछे की तरफ बात करते हैं तो 2 सेंसर इधर भी है और 2 सेंसर इधर भी है, टोटल 4 सेंसर पीछे भी तरफ लगा हुआ है. सामने ये देखिए, ये छोटा सा एक मिनी कूपर का लोगो लगा हुआ है. और इसका अगर खास बात है तो एग्जॉस्ट है गाइज. ये देखिए, ये डबल एग्जॉस्ट है इसमें आता है, और डबल एग्जॉस्ट के साथ ये साउंड भी बहुत नॉइसिंग साउंड देता है. तो गाइज, इसके पीछे की तरफ एक रिवर्स कैमरा भी है. अगर लाइट का बात करते हैं तो ये आप लोगों को ध्यान से देखो, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है ब्रिटिश जो फ्लैग का लोगो है, ये फ्लैग का लोगो है एक्चुअली, देख रहे हो. तो इधर में एक लोगो लगा हुआ है मिनी कूपर एस, जो इसका नाम है गाइस. और पीछे की बात करते हैं तो पीछे में एक बूथ देखने के लिए मिलेगा, एकदम छोटा सा मिनी, जैसे कि मिनी की इसका नाम है ऐसे ही इसका काम है. ये देखिए, एकदम छोटा सा एकदम बूथ देखने के लिए मिलेगा. इधर में सिर्फ आप बैग लगेज रख सकते हो, कोई भी छोटा चीज़ रख सकते हो, बड़ा कोई चीज़ नहीं रख सकते, क्योंकि स्पेस बहुत कम है. ये देखिए, एकदम मिनी है गाइस. जितना मिनी कूपर है सब में एक चीज़ खास बात है गाइस, जैसे कि ये फिनिशिंग दिया हुआ है, ये लाइट का फिनिशिंग क्रोम से दिया हुआ है, इस ऊपर का भी फिनिशिंग क्रोम से दिया हुआ है. ये देखिए, पेट्रोल का टैंक है, उसका ऊपर भी एक क्रोम लगा हुआ है, ये भी क्रोम से दिया हुआ है हैंडल. अगर इस तरफ देखो तो ये लोगों का, उसका ऊपर भी एक क्रोम दिया हुआ है, इस तरफ भी एक क्रोम है, सामने का लाइट का ऊपर भी साइड में दिए ये क्रोम दिया हुआ है, हर चीज़ ये सामने में ये भी एक क्रोम है. जितना फिनिशिंग दिया हुआ है आप पूरा डिटेल्स क्रोम से दिया हुआ है, ये देखिए. तो गाइस, इसमें जो स्पेशलिटी है वो सनरूफ के लिए है गाइस. ये पूरा एकदम छत खुलता है, प्लस उसमें सनरूफ भी है, इतना तक ये आ जाता है सनरूफ, और इसके बाद ये पूरा एकदम खुल के नीचे आ जाएगा. ये देखिए कुछ इस तरह, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया बाहर का, अभी अंदर का दिखाते हैं. अंदर में बहुत ज़्यादा चेंजेस है. ये देखिए, सबसे पहले अंदर घुसते ही ये देखिए, मिनी कूपर लिखा हुआ है, उसके साथ एस बी लोगो का लिखा हुआ है. और इसका जो नॉइस है गाइस, ये नॉइस मुझे इतना खास पसंद नहीं है. ये नॉइस की वजह से मुझे कभी कभार इरिटेट कर देती है. इसका जो नॉइस आता है ना, एक टिंग 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 ऐसा कुछ नॉइस आता है गाइस. तो सबसे पहले ये बात कर लेते, तो पहले स्टार्ट कर लेते. ये देखिए, ये देखिए, ये जो नॉइस है, जब तक मैं डोर नहीं बंद करेगा ये रहेगा. ये देखिए, अभी चला जाएगा, देखा चला गया. तो गाइस, इसका जो बात कर लेते पहले फ्यूचर के बारे में. ये देखिए, इसका जो सनरूफ के बारे में बात किया, ये देखिए कुछ इस तरह सनरूफ खुलता है, देख रहे हो गाइस.
ये हाफ सनरूफ है, ये सनरूफ की तरह काम करता है, ये देख के पूरा एकदम सनरूफ है। अगर उसका बाद अगर खुलना चाहते हो ये पूरा छत उठ जाएगा, वो आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका एलईडी के बारे में। इसका जो एलईडी है वो दूसरा गाड़ी से बड़ा है, जैसे कि पुराना मॉडल का जितना एलईडी है वो छोटा आता है इसका एलईडी, और इसमें बहुत ही ज़्यादा फीचर दिया हुआ है। सबसे पहले फीचर की बात करता है, ये जो देख रहे हो ना ये डायनामिक है, जैसे कि मैं अगर ये कमती करूँ ये देखो गायब हो गया, अगर बढ़ाओ ये देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये देख रहा हूँ ये ऐसा कुछ। अगर सेंसर भी काम करे ना तो सेंसर के हिसाब से इसका लाइटिंग चेंज होता है। अभी कोई गाड़ी नहीं है इसमें तो ये देखिए वाइट लिखा हुआ है, अगर कोई गाड़ी हो रेड या येलो में ट्रांसफर हो जाता है। और उसके बाद इसका मीटर में भी चेंजेस आया है गाइस, ये मीटर जो है ना सब एलईडी कर दिया, और इसके साथ हेड अप डिस्प्ले भी आता है गाइस, ये कुछ इस तरह दिख, ये जो हेड अप डिस्प्ले देख रहे हो ना गाइस, ये वाला ये अगर आप स्टार्ट बंद कर लो, जैसे कि बंद कर लिया मैंने, ये देखिए अंदर जा रहा है, देख रहे हो पूरा एकदम चुप जाएगा। अगर मैं दोबारा स्टार्ट करता है, जैसे कि स्टार्ट किया मैंने, ये देखिए पूरा ऊपर आएगा बाहर, टंग टंग देख रहे हो। अब गियर में लगाते हो और ये गियर में लगाने के बाद वो 1 2 3 4 कितना स्पीड में जाते हो वो इधर शो करेगा, ये पहले बहुत गाड़ियों का नहीं आता है। साइड में बात करते हो, इसका लाइटिंग का ऑप्शन सब साइड में दिया हुआ है, और अगर इस तरफ देखो तो ये क्रूज कंट्रोल इस तरफ है, ये वॉल्यूम का है, फोन का ऑप्शन इधर दिया हुआ है। जो नीचे देख रहे हो ये प्लस और ये माइनस, तो इस ये एक्चुअली गियर शिफ्टिंग है, इधर से गियर शिफ्टिंग कर सकते हो, ये देखिए माइनस और प्लस। अगर इस तरफ देखो तो इधर में दिया हुआ है पार्किंग असिस्ट, और इसके साथ वो जो ऑटोमेटिक जो ऑफ हो जाता है इंजन, और ये ऑप्शन दिया हुआ है उसका, ये स्टार्ट बटन है गाइस, ये कुछ इस तरह इन स्टॉप एंड स्टार्ट, ये स्टार्ट हो गया। और इधर साइड में दिया हुआ है ट्रैक्शन कंट्रोल, और इस तरफ दिया है स्पोर्ट ग्रीन, मतलब आप सोच रहे हो इसमें स्पोर्ट मोड भी है, आप अगर ये करोगे अभी ग्रीन में है, जो पेट्रोल अगर कम है तो ये पेट्रोल कम में सपोर्ट करेगा। और इसका मीड अगर देते हो, जैसे कि ये मीड है, ये नॉर्मल में चला सकते हो, नॉर्मल में ये सब चलाता है, और अगर स्पोर्ट में चलाना चाहते हो ये देखो स्पोर्ट में चलाओगे तो पूरा एकदम एलईडी चेंज हो जाएगा, ये देखिए कुछ इस तरह है। इसका जो एलईडी है बहुत स्मूथ है गाइस, बहुत स्मूथ है, एकदम स्मूथ, एकदम साइड का एक एलईडी दिया हुआ उस दोनों साइड, ये तो डबल इशारा हो गया। और ये है रडार गाइस, इसमें रडार भी है, सीरियसली गाइस ये छोटा गाड़ी है लेकिन इसमें रडार भी है, ये रडार की वजह से पूरा गाड़ी एकदम सिक्योर रहता है। और इसके नीचे आ जाओगे तो ये एफएम का ऑप्शन है, जो वॉल्यूम बढ़ाने का कमती करने का, देख रहे हो। और इसका म्यूजिक सुनिए, बहुत ही बेसिंग वाला इसमें म्यूजिक दिया हुआ है, क्योंकि इसमें बेस बहुत ज़्यादा लगा हुआ है गाइस। तो इसमें मेन्यू देखिए, मीडिया देखिए, स्मूथ एकदम एक एलईडी लगा दिया है गाइस। तो अंदर में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये मैप भी है इसमें, बहुत सारा है, बहुत इसमें इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो, यूट्यूब भी देख सकते हो, कुछ भी देख सकते हो। ये इसका मैप जो है ना, कोई भी वर्ल्ड का कोई भी जगह में जाओगे इसका मैप काम करेगा। इसका जो सीट का बात करते हैं, वो इसका जो सीट है पूरा एकदम लेदर के साथ आता है, जो इसमें एसी का ऑप्शन दिया हुआ है सीट में भी। और इधर में अगर बात करते हैं तो इधर में दिखा हुआ है मेनू, इधर से आप बटन ये पूरा एकदम एक्सेस कर सकते हो, इधर से देख रहे हो, ये देखिए कुछ इस तरह एक्सेस कर सकते हो। इधर में ऑप्शन दिया हुआ है, बैक ऑप्शन दिया हुआ है, मीडिया मेनू, नेविगेशन, सब कुछ इधर में ऑप्शन अवेलेबल है। उसमें टाइप भी नया, जो आईफोन वाला जो अभी नया वाला टाइप भी है वो भी है, और पुराना वाला भी टाइप भी है, लोग लगा के चार्ज भी कर सकते हो। अगर पीछे की तरफ बात करते हैं तो दो सीट पीछे भी है, छोटा सा पीछे भी दो सीट है और सामने भी दो सीट है, चारों सीट लेदर का है। और अगर डोर में देख सकते हो तो इधर में एक मिक्स स्पीकर है, इधर में एक स्पीकर है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी, और पीछे की दो स्पीकर है। चार्ज भी में कोई चेंजेस नहीं आया है, मिनी कूपर का जितना 18 का मॉडल जितना मॉडल है, 18 का ऊपर जितना मॉडल है इसमें इतना साइज का बड़ा बड़ा साइज का दो चाबी आता है। चाबी में कोई चेंजेस नहीं आया है, बहुत ही स्मूथ दो चाबी है। चाबी में आप लोग क्या कर सकते हो, आप लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, और पीछे का जो हुडी है वो भी आप लोग इधर से खोल सकते हो, ये तीन ऑप्शन दिया हुआ है। तो अभी आप लोगों को दिखाएगा ये इसका सनरूफ का ऑप्शन है, जो छत किस तरह ये खुलता है इसका छत, ये देखिए। अगर मैं आप लोग इसका इधर में दबा के रखूँ ये बंद हो जाता है, देखिए ये बंद हो गया। तो अगर अभी मैं पीछे की तरफ दबा के रखूँ, ये देखिए ये पूरा खुल रहा है कुछ इस तरह। अभी मैं बाहर से दिखाऊंगा कैसे खुलता है ये पूरा एकदम। इसमें स्पेस दिखाई दे रहा है अंदर, कितना स्पेस है, ये सीट आगे भी कर सकते हो, पीछे भी कर सकते हो। पीछे की तरफ दो सीट है लेदर का, और सामने की तरफ भी दो सीट है लेदर का। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बाहर से कैसा, ये देखिए
और ये जब हाटों पे पूरा खुल के पूरा पीछे जा जाता है, पीछे की तरफ जब आते हो ना तो कुछ इस तरह ये सेटिंग करके ये ऑटोमेटिकली ये बैठ जाता है। अभी कैसा कूल दिख रहा है ये भी। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा बाहर अंदर हो, अभी आप लोगों को चला के दिखाऊंगा कैसा लगता है इसका चलाने के बाद, उसका एक्सपीरियंस कैसा है। ये जो गियर देख रहे हो ना, ये गियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया। ये जो शेप है ये नया मॉडल का है, ये पुराना मॉडल का ये शेप नहीं रहा, दूसरा शेप का था। तो इसमें गियर 7 है गाइस, आप 7 गियर लगा सकते हो। जैसे कि अभी डी में है, डी के बाद प्लस 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 माइनस भी कर सकते हो, फिर हो गया न्यूट्रल, ये हो गया रिवर्स। ये जो स्क्रीन है गाइस बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, एकदम बहुत सॉफ्ट है, मोबाइल की स्क्रीन की तरह और भी सॉफ्ट है। चेंज कर दिया तो अभी मैं डी में लगा दिया और अभी मैं चला के आप लोगों को दिखाएगा ये कैसा एक्सपीरियंस रहा। वाओ स्पीड भी है गाइस, पूरा एकदम परफेक्ट, पूरा एकदम आप स्पोर्ट कार जैसे चलाते हो ना ऐसा स्पीड भी है इसका। सीरियसली गाइस आज मैंने चला के भी देख लिया, पूरा एकदम बड़ा गाड़ी का कंफर्ट देता है वो। तो भाई मैंने अभी ग्रीन मूड में चलाया, वो अभी स्पोर्ट मूड में आप लोगों को चला के दिखाऊंगा। स्पोर्ट मूड में और भी मज़ा आता है, स्पीड बढ़ जाता है पूरा एकदम। अभी मैंने स्पोर्ट मूड में लगा दिया, अभी ये देखिए स्पीड है भाई, बहुत स्पीड है इसमें, पेट्रोल के लिए भी बहुत अच्छा है और स्पीड में भी बहुत अच्छा है। जैसे कि स्पोर्ट गाड़ी चलाने के बाद जैसे फील आता है ना, ऐसा फील आ रहा है मुझे, क्योंकि स्पोर्ट मोड में जब चलाते हो गाड़ी बहुत तेज भागता है गाइस। वाओ वाओ सीरियसली गाइस बहुत कंफर्ट। भाई बहुत ही मजा आता है ये जब चलाओगे ना, बहुत ही कंफर्ट महसूस होता है, एकदम छोटा सा है लेकिन बहुत कंफर्ट महसूस होता है आप जब ये चलाओ। तो गाइस अगर ये गाड़ी का मैं अगर मॉडल का बात करता है तो ये 2023 मॉडल का है और इसका अगर प्राइस UAE का पड़ता है तो 1,10,000 दिरहम एक्चुअली। तो अभी आप कन्वर्ट कर लो इंडिया का रुपया में कितना आता है। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा इसका वीडियो और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, ये गाड़ी भी पसंद आएगा। अगर ये गाड़ी पसंद आता है और आप लोगों को दूसरा भी ऐसा कुछ गाड़ी देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।